वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज नंबर 9.3 एरिया ऑफ पैलोग्राम्स का क्वेश्चन नंबर 16 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इन फिगर 9.29। तो हमारी फिगर ये दे रखी है सामने, फिगर 9.29 ये हमारी फिगर है। इसमें एरिया ऑफ डीआरसी, हमारे को डीआरसी का एरिया किसके इक्वल दे रखा है, एरिया ऑफ डीपीसी, डीपीसी के इक्वल दे रखा है। और दूसरा हमें एरिया ऑफ बीडीपी, एरिया ऑफ बीडीपी इसका एरिया हमको दे रखा है एआरसी के बराबर। तो हमें ये भी दे रखा है और ये दो ट्रायंगल्स का एरिया हमारे यहाँ पे इक्वल दे रखा है। सो दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स एबीसीडी, एबीसीडी एक ये क्वाड्रिलेटरल है एंड दूसरा क्वाड्रिलेटरल डीसीपीआर, तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, ट्रेपेजियम है। ये हमको प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, पहले हमें देर क्या रखा है, गिवन क्या है। तो गिवन में, गिवन एरिया ऑफ डीपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डीआरसी, एक तो हमें ये दे रखा है, दूसरा हमें दे रखा है एरिया ऑफ बीडीपी इक्वल टू एरिया ऑफ एआरसी। अब देखो इस गिवन को ही मैंने, इसको तो मान लिया फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लिया मैंने सेकंड इक्वेशन। क्यों मान लिया, देखो हमारे को क्या क्या एरिया दे रखा है, एक तो मुझे बीडीपी का एरिया इक्वल दे रखा है एआरसी के, दूसरा मुझे ये दे रखा है डीआरसी का एरिया इक्वल दे रखा है डीपीसी के। अब देखो मैं अगर बीडीपी में से, बीडीपी में से मैं अगर डीपीसी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरा एरिया बचता है बीडीसी, और अगर मैं एआरसी में से एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ डीआरसी का तो मेरा एरिया बचता है एडीसी। और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या है, मेरे सेम बेस पर लाई कर रहे हैं। अगर इनका एरिया मेरा इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में होंगे, और ये दोनों अगर पैरेलल हो गई तो इसका मतलब एबीसीडी मेरा क्या है, ट्रेपेजियम। तो देखो वाई सब्ट्रैक्टिंग, वाई सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, और हम कह सकते हैं फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो हमारा सेकेंड बड़ी है इसलिए हम सेकेंड में से करेंगे। तो बी डी पी माइनस एरिया ऑफ डी पी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी माइनस एरिया ऑफ डी आर सी। तो अब क्वेश्चन में देखो, हमने बी डी पी में से, बी डी पी में से डी पी सी को सेपरेट कर दिया तो क्या बचा, बी डी सी। तो हमारा यहाँ बचा एरिया ऑफ बी डी सी, और ऐसे ही ए आर सी में से अगर हमने डी आर सी को सेपरेट कर दिया तो हमारा बचा ए डी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, अब देखो दोनों का हमारा एरिया इक्वल आ गया, इसका मतलब दोनों का सेम बेस पर लाई कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी इन सेम पैरेलल्स, तो दे मस्ट बी लाई इन बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स। तो सेम पैरेलल्स कौन कौन सी होगी हमारी, ए बी पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर हम कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम।